दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ कल्चर और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे एकनाथ शिंदे हम तो डूबेंगे तुमको भी नहीं छोड़ेंगे की चेतावनी। एकनाथ शिंदे के लिए ताबूत किया आखिर खेल साबित होंगे बच्चू कड़ू। महाराष्ट्र के सियासी के बीच में चार पांच दिनों से प्रवाह जनशक्ति पार्टी में मुख्यतः बच्चू कड़ू का अमरावती में विधायक रवि वाण के बीच में सीआईसी संघर्ष शुरू है। इस लड़ाई में दोनों के नेताओं के एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप प्रतिरोध किया। इसके बीच में बच्चू कड़ू ने अपने 6-7 समर्थन विधायकों के साथ सरकार के बाहर निकलने की चेतावनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे दी थी। हालांकि दोनों ने आला नेता के मध्यस्थता साथ में बच्चू कड़ू और रवि राणा के बीच में दावा खत्म हो चुका है। रवि राणा ने तो सोमवार को काफी महंकर यह हंगामा खत्म कर दिया था जबकि बच्चू कड़ू ने मंगलवार शाम को अमरावती की शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि इस शक्ति प्रदर्शन के लिए आज मुंबई में दिखने को मिली नेताजी यह हुआ है कि मुंबई में यह सीआईसी हलचल बढ़ गई है। बच्चू कड़ू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तमाम राजनीतिक और बावजूद बच्चू कड़ू ने रवि राणा के साथ चल रही जुबानी जंग को खत्म कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पहली गलती थी इसलिए माफ किया, अगली बार ऐसा हुआ तो प्रवाह वार कैसा होगा यह पता चलेगा। बच्चू कड़ू ने कहा है कि कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरे अस्तित्व का सवाल होएगा। कोई आए और मुझे बोले हम इतने सस्ते में भी नहीं हुए हैं। शत्रु ने माना है तो बच्चू कड़ू की शक्ति प्रदर्शन के बाद रवि राणा और रविंद्र फडणवीस की मुलाकात की है। कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या बोले बच्चू कड़ू? बच्चू कड़ू ने कहा है कि हम महात्मा गांधी को मानते हैं लेकिन भगत सिंह हमारे दिमाग के दिल और दिमाग में इस कदर बसे हुए हैं कि हमारी कब सबट जाए ये नहीं पता चलता, अगली बार इस बात का भी ध्यान रखना। बच्चू कड़ू ने कहा है कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, हम आचार संहिता के पालन करेंगे, किसी के मन और ठेस पहुंचाने ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। यह सब सिर्फ सरकार और मंत्री पद के लिए करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चू कड़ू ने कहा है कि आज हर दल के बागी लोग हैं, ऐसा कोई भी दल नहीं है जहां बागी ना हो। बावजूद इसके तमाम बागी पहली पंक्ति में मौजूद रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।